ब्रेक के बाद गुड लक टिप्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सोचे हुए काम पूरे होने में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी जोखिम भरा काम आज आपको नहीं करना है, कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं लेना है। ध्यान रखें, विचारों में उग्रता रहेगी, लिहाजा जो भी बात मन में आए उसे तुरंत कहने से बचें। विरोधियों से सावधान रहें, शेयर में निवेश करने से आज आपको बचना चाहिए। आज सुख दुख को समान समझकर सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें, सब अपने आप ठीक होगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। पैसों की स्थिति में आज सुधार होगा। आज आपको सतर्क रहना होगा और हाथ आए अवसर को समझना होगा। जो गंभीर बात है उसे गंभीरता से ही लें। आज सकारात्मक सोचें और काम करने का तरीका बदल लें, बस फिर देखिए सब ठीक ठाक होगा। नौकरी में पदोन्नति तो नहीं होगी लेकिन ट्रांसफर के योग जरूर बन रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को यानी काग देवता को खीर खिलाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से शुभताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज आप जिसे अपनी समस्या समझ रहे हैं वही थोड़े समय बाद आपके लिए जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली साबित होगी। आज आप थोड़े मूडी रहेंगे और थोड़े ज़्यादा ही संवेदनशील भी रहेंगे। आज आपको अपना व्यवहार सकारात्मक रखना है। कार्यस्थल और व्यापार स्थल पर सहयोग मिलेगा, मन खुश रहेगा, आपके काम बनेंगे। सेहत का ध्यान रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के पांव छूकर दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले पंडित जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी हैं उदयपुर से, जो कि अपनी बेटी आराधना के बारे में जानना चाहते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बताई है 30/10/1988 और दोपहर 12:35 का उनका जन्म है, उदयपुर का है। जी नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका बेटी को लेकर? बेटी शादी का योग कब बन रहा है? बहुत परेशान। जी जी, देखिए आपकी जो बिटिया है उसकी जो विवाह का योग जो बनता है, चूंकि दाम्पत्य घर का जो स्वामी है वो है चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं जो है वो विवाह का योग बनेगा इसका नेक्स्ट ईयर फरवरी 2015 के पश्चात में। जो मुख्य जो बात है, इसकी बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो नीच का होके बैठा है। विवाह के घर का जो कारक होता है शुक्र, वो नीच का होके भाग्य स्थान में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं जो शुक्र है वो इसके विवाह में अड़चन डाल देता है। तो क्या करना है, दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम तो आपके बिटिया रानी को बोली कि नियमित रूप से माँ तुलसी जी में जल का अर्ध प्रदान करें, उस जल में थोड़ी सी केसर डाल दें। केसर डाल के उस जल का अर्ध माँ तुलसी जी में प्रदान करें। माँ तुलसी जी की कम से कम 11 परिक्रमा करें और परिक्रमा के पश्चात में घी की आरती करें। दूसरा जो उपाय करना है, एक चरी ले लीजिए, स्टील की चरी, कलश, बड़ा कलश ले लीजिए, उसमें 7 अनाज भर लीजिए। 7 अनाज भर के कोई भी साबुत अनाज जो घर में पड़े हो उसको भर के अपनी बिटिया रानी के शुक्रवार के दिन शुक्रवार का होना चाहिए, बिटिया रानी के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा के, पास में कोई भी माता का मंदिर हो तो वहाँ चरी को अनाज समेत दान करके आ जाना। एक ही बार ये उपाय करना है। एक इसको 3.25 रत्ती का पन्ना, एमरेल्ड जिसको बोलते हैं, वो सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन सोने में आपको सीधे हाथ में उसको धारण करवा देना है। नियमित रूप से इस गुड़िया को बोलिए कि अगर कहीं चींटियों को आटा खिला सके, बूरा खिला सके, तो निश्चित तौर पे आने वाले 5-6 महीने में इसको सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। तो नरेंद्र जी, पंडित जी ने जैसे कि बता ही दिया है कि क्या रुकावटें आ रही हैं, क्या अड़चनें आ रही हैं, तो जो टिप्स बताए हैं उनको कीजिए, जल्द से जल्द जो आपकी बेटी है उनके विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। पंडित जी, एक मेल भी आया है हमारे पास कमलेश का, अपने बेटे दीपक के बारे में वो जानना चाहते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बताई है 24/11/1988 और दोपहर का 2:42 का उनका जन्म है। इनका सवाल है कि इनके बेटे को गवर्नमेंट जॉब जो है वो कब तक लगेगी, सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं अपने बेटे के लिए। देखिए, ये जिसकी आपने कुंडली भेजी है उनकी कुंडली में वैसे सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन इस वक्त राहु की मादशा बच्चे को चल रही है। राहु की मादशा, उसमें भी सूर्य का अंतर,
जब राहु की महादशा में सूर्य का अंतर आ जाता है तो सूर्य ग्रहण का योग बन जाता है। ये जो समय चलेगा या मार्च 2015 तक चलेगा, उसके पश्चात में ही इस बच्चे का भाग्य साथ देगा और सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, उससे पहले कोई योग नहीं बनता है। उसके साथ साथ में एक चूँकि गज केसरी योग इस बच्चे की कुंडली में, निश्चित तौर पर उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। सन 2015 इसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। राहु को ठीक करने के लिए एक 1.25 रत्ती का गोमेद रत्न चांदी में अंगूठी बनवा के मध्यमा उंगली में सीधे हाथ में रविवार के दिन धारण करवा दीजिए और बच्चे के नाम से पास में कोई भैरव मंदिर हो तो वहाँ रविवार को भैरव जी महाराज के उड़द के दाल के बने पकवान चढ़ाएं तो निश्चित तौर पर जो भाग्य में रुकावट है, जो कर्म में रुकावट है, जो किस्मत में रुकावट है, उस रुकावट से मुक्ति मिलेगी। सन 2015 आपके इस बच्चे के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो। तो कमलेश जी, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं आपके बेटे के लिए वो करवाइए, जल्द से जल्द सरकारी नौकरी लगेगी, उन्हें सफलता निश्चित ही मिलेगी। आगे जानेंगे पावन मंत्र भी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में कि आज क्या करें इस दिन को बेहतरीन बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छा रहेगा, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, कोर्ट कचहरी के कार्यों में विजय प्राप्त होगी, मन प्रसन्न रहेगा, आर्थिक परेशानियां हल होंगी, नई जिम्मेदारी आज आपको प्राप्त होगी। आज आपको किसी ना किसी बात की चिंता सताएगी, लेकिन आपके पास इंतजार करने के लिए आज समय है, लिहाजा हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं। रुका हुआ पैसा नहीं आने से थोड़ी सी परेशानी रहेगी, अधिकारी प्रसन्न रहेंगे लेकिन पूरे मन से नहीं। नई जिम्मेदारी प्राप्त होगी। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ देकर और परिक्रमा करके दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी पराक्रम के कार्य और पुरुषार्थ की योजनाएं बनेंगी, सोचे हुए कार्य असफल होंगे, आज सफलता पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। आज सामने आने वाले अवसरों पर निगाहें बनाए रखें और उनसे आपके पैसों की स्थिति में सुधार होगा। आज आपको संयम नहीं खोना है, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। किसी भी अनचाही बात पर आज आपको गुस्सा नहीं करना है, घबराए नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और खुद को संभाल लें। आज के दिन की सफलता के लिए देवी मंदिर में एक पानी वाला नारियल चढ़ाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको थोड़ी सी सावधानी से बिताना चाहिए। आज अधीनस्थों का सहयोग, जो आपके सहयोगी हैं, और उनका सहयोग मिलेगा, लाभ के अवसर मिलेंगे, बिजनेस में नई योजनाएं सामने आएंगी, लेकिन कोई कदम आज आपको जो भी उठाना है सोच समझ कर उठाना है। धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, कोई पुराना या रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है। बिजी रहेंगे आज आप, आज आपको एक साथ कई सारे काम संभालने पड़ सकते हैं। किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा जिद नहीं करनी है, किसी भी तनाव की जो स्थिति है उसको आज आपको टालना है। आज के दिन की सफलता के लिए घर में गौमूत्र का छिड़काव करें और कपूर आरती करें तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। पंडित जी, आज के राशिफल के बाद अब आज का पावर मंत्र भी बता दीजिए। देखिए, यदि आपको व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो, व्यापार में हर कदम पर आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा हो, आपको लगता हो कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हो, तो आज मैं आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत आसान सा किंतु चमत्कारिक मंत्र बता रहा हूँ। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, बहुत सरल मंत्र है। ओम श्रीम श्रीये नमः। पुनः एक बार उच्चारण सुनिए, ओम श्रीम श्रीये नमः। तो यदि प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, विधि विधान पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और 108 बार इस मंत्र का जाप स्फटिक की माला से करते हैं तो निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। और शुक्रवार के दिन किसी कन्या को एक समय का भोजन करवाते हैं तो आपके घर में, आपके व्यापार में माँ लक्ष्मी जो है वो स्थायी रूप से निवास करने लगती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपके दिन को खुशनुमा बनाने के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। आज आपने जाना कि कैसे अपने दिन को अच्छा बनाएं और साथ ही आज हमने दिए गुड लक टिप्स भी, पावर मंत्र भी। उम्मीद करते हैं हमारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता की। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। तो कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।